नमस्कार सुप्रभात मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आप मान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइफ को दर्शक बंधु आपण मानक प्रश्न आपण मानक समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मानक जदि प्रश्न रहुची समस्या रहुची तले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपंकर सठिक जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु जमती कि आप माने जानी छंती प्रत्येक दिन आम किसी विषय उपर आलोचना करछंती। वर्तमान समय रे विवाह उपर आलोचना करछंती। वैवाहिक दाम्पत्य सुख आपको केमती मिल पार कौन अच्छे आपंकर जातक रे जुग विवाह पई केबे आपंकर विवाह हबो मैरेज पार्टनर केमती मिल पारे आपंकर बहुत समय आपण प्रश्न आसान लव मैरेज करेंगे कि आरेंज मैरेज करेंगे जहाँ आप लव करते सक्सेस आपको मिल पार जहाँ भी आप लव पार्टनर चॉइस कर लाइफ पार्टनर हाँपाई योग्यता कौन अच्छी से सब जिन चेक करातक ही देखते विशेषकर मैरेज पर देखा जाए मांगल्य भाव को। मांगल्य भाव विशेषकर लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेवेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस को कह जाए ये हाउस मानक कौन ग्रह मान स्थित रोचे अवस्थित रोचे केते ग्रोथ अच्छा ग्रह से हिसाब से आज जापर आप मैरेज लाइफ केमती कटिपर जड़े कल जोड़ सहित कथा हेलो नमस्कार नमस्कार जन्म तारीख समय संध्या जन्मस्थान कहतु कौन जाना चाहते विषय अच्छा भविष्य लंबा अच्छी कौन जानवे विशेष कर देह खराब रोचे ठीक अच्छे आज जानते विशेषकर हेल्थ को लेकिन चिंता कर जेतु आपंक लग्न रोचे तुला लग्न एवं आपंक राशि मध्य रोचे तुला राशि जेतु लग्नाधिपति राशियाधिपति शुक्र आप सेभेन्थ हाउस शुक्र केतु बृहस्पति सूर्यर कंजक्शन हो शुक्र अस्त रोचे आपंक जातक से प्रत्येक समय हेल्थ को लेकिन आप स्ट्रगल कर मानसिक स्थिति को लेकिन स्ट्रगल करेतु आप जातक चंद्र राहुर कंजक्शन अच्छी चंद्र ग्रहण सृष्टि होतक जातक से मानसिक अस्थिरता अधिक रोचे अन्य को सहजरे विश्वास कर निजर सिक्रेट निजे मेंटेन कर पार ना पर कथार भासी जाऊँगी और प्रत्येक समय यूटिलाइजेशन शिकार अधिका स्ट्रगल होती जहाँ भी डिसीजन नौ देखी चाहिए डिसीजन निंतु कहीं बहुत समय कि नेगेटिव डिसीजन आपण द्वारा हो जाए जोटा कि आपण लस हो जा वर्तमान समय नेगेटिव चलती हेल्थ दृष्टिकोण जेहेतु बुध दशा कंटिन्यू करुच्ची आपंकर बुध शनि वर्तमान चलती जोटा कि चलु आपको एक डिसेम्बर 2022 पर्यंत समय समय हेल्थ इश्यू आप फेस करेंगे किंतु आगक केतु दशा चलबार अच्छी अधिका स्ट्रगल हो लाइफ जहाँ भी पाइबा कथा अधिका विलंबर शिकार अधिका परिश्रम कलापण को सक्सेस मिल पारना किंतु वर्तमान समय आपको नेगेटिव चलती किंतु आग को किसी ना कि चेंजेस आप लक्ष्य करेंगे 15 मार्च 2023 पर किसी चेंजेस रहा हेल्थ में जहाँ भी कर्म क्षेत्र करने को चाहते से हिसाब से आपारे कि वर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ लाइफ एचिवमेंट लाइफ प्रॉपरली डिसीजन एवं हेल्थ पर राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे ब्लू मून पिंधतु और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में गोटे पान्ना पिंधतु आपं हेल्थ पर आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव र प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ातु सर्व बाधा प्रसमन्नम त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव तोया कार्यम मस्मत बैरी विनाशनम ए मंत्र रे सतीष्टि दबो आपण को नाम तो चढ़ातु जहाँ भी स्ट्रगल करते हेल्थ को लेकिन बहुत भल हेल्थ रहुत भल सक्से मिल पार आपण को ब्लाक कलर को टोटाल एवोड करूँ रेड कलर को टोटाल एवोड करूँ व्हाइट कलर ग्रीन कलर सिल्वर कलर और येलो कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई आपण आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो हेलो आगे कौन तो क्या विषय जानवे नमस्कार
जन्म तारीख कहतु आज्ञा जन्म तारीख कहतु प्रथम आपण पचीस पांच आज्ञा पचीस मे तो पचीस मे दुई हजार एक समय कहतु जन्मस्थान कहतु कौन जान चाहती आप ठीक अच्छे आज्ञा जब जाना चाहते देखिए आपस्कोप जेहतु आप लग्न रोज कर्कट लग्न लग्न अधिपति चंद्र आपस्कोप ट्वेल्थ हाउस पोजिशन रखुच चंद्र राहुल कंजक्शन होती से मन भितर अधिक अस्थिरता कंसेंट्रेसन आप ठीक भाव रही पारना जहाँ भी आप वर्तमान समय इंटरव्यू फेस कर हिसाब से आपंकर परफॉर्मेंस रोना एवं स्ट्रगल करछंती मानसिक स्थिति को लेकिन किसी ना कि मानसिक चिंता रोचे प्रत्येक समय मेंटल स्ट्रेस रोचे मानसिक रोग आप कहीं चंद्र राहुल कंजक्शन चंद्र राहु बुधर कंजक्शन प्रत्येक समय किसी ना कि मानसिक अशांति मेंटल इश्यू आपतर रखुच्छी अस्थिर स्वभाव करु वर्तमान समय जॉब रे अपॉर्चुनिटी ना कि आग को जॉब आसी पार आपन को 7 जनवरी 2023 पर जॉब मिलबार संभावना अधिक रोचे आपन को मैरेज पर जहाँ भी आपंकर प्रश्न होती विशेषकर देखु 11 मे 2023 पर मैरेज पर आप प्रोसेस करेंगे कितु वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजा विशेषकर सर्प बाधा प्रसमन्नम त्रैलोक्ये साखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम मस्मद बैरी विनाशरम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करातु सप्तशती चंडी बहुत शीघ्र मैरेज हम बहुत भल जॉब पाई आपड़ जॉब पर फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर में व्हाइट सफायर पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता पाई एवं लाइफ रे प्रॉपरली डिसीजन पाई बहुत पॉजिटिव तो दर्शक बंधु आलोचना करछंती देखुछंती आपंक जातक रे कौन जग अछि विवाह पाई कहीं वैवाहिक दाम्पत्य सुख को लेकिन अधिका चिंता अछि आपंक मन भितर विवाह पाई मध्ये आपंक प्रश्न आछि केबे आपंक मैरिज हबो से देखुछंती विवाह कारग्रह शुक्र केते स्ट्रांग अछि जदि शुक्र मीन राशि उच्च अच्छी किंबा वृष तुला राशि स्वगृह अवस्था आपंक जातक रे पोजिशन रखुचंती केन्द्र त्रिकोण स्थान में तले बहुत शीघ्र मैरेज हो जाए जहाँ भी आपंक लाइफ रे लाइफ पार्टनर मिले आपन को बहुत भल मिल था चरित्र स्वभाव आपंकर स्वभाव सहित बहुत भल मैच करें जदि शुक्र आपंक जातक रे बहुत स्ट्रांग अच्छे आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो हेलो नमस्कार कहतु कौन जानवे कहतु झी जन्म तारीख जनवरी 2003 समय सकाळ हेले रविवार थिला जन्मस्थान कहतु कौन जाने चाहते झील विषय मेडिकल अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहते विशेषकर कंपिटेटिव एग्जाम को लिखुंत मेडिकल फिल्ड में सक्सेस चिंता करेतु आप लग्न रोच धनु लग्न एवं लग्नाधिपति बृहस्पति आपस्कोप 8th हाउस उच्च अच्छी किंतु बकरी अच्छी जहाँ भी लाइफ आपबा कथा से ही हिसाब से पापार ना अधिका स्ट्रगल कराया पड़ू अधिका पिश्रम कराया पड़ू किंतु पिश्रम रिजल्ट आपार ना आप राशि रोचे कर्कट राशि जेहेतु पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि रोच आप 8/4 पुष्या नक्षत्र लॉर्ड शनि आपस्कोप 6th हाउस बकरी अच्छी राहु सहित कंजक्शन करुँ 6th हाउस जेहेतु कंपिटिशन हाउस 6th हाउस लॉर्ड 12th हाउस केतु मंगल सहित कंजक्शन करुच्चे मेडिकल फिल्ड में आपको मेडिकल एंट्रान्स जहाँ भी लिखुंत सक्सेस मिल पारना कितु विशेषकर देखु आपको बहुत भल अपरच्युनिटी मिल पार जब आप एमपीए कर
जदि आपण कमर्स फिल्ड को जाउछंती बहुत बल सक्सेस आपनको मिल परबो किंतु एमबीए करे पय आपनको जातक रे आपण मेडिकल करे पय आपनको जातक रे ते भलो जको नाही काकरा 6th हाउस मेडिकल हाउस 6th हाउस रे शनि वक्रिय छि राहु सहित कंजक्शन मध्ये करूची सत पय नेगेटिव रहूची आपन हॉरोस्कोप रे किंतु गोटे प्रतिकार मध्ये करंतु लाइफ रे अचीवमेंट पय कंसंट्रेशन पय राइट हैंड रो लिटिल फिंगर रे गोटे ब्लू मून पिनंतु एवं राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर रे गोटे पान्ना पिनंतु आपंकर मेमोरी पाई आपंकर एजुकेशन पाई बहुत पॉजिटिव रहिबो। तो दर्शक बंधु देखुचंती जातक रे कोन जगह छि विवाह पाई कगना वैवाहिक दाम्पत्य सुख पाई विशेष करी शुक्र दाम्पत्य सुखर कारक रो स्पाउस रो कारक रो केते स्ट्रांग छि आपंकर जातक रे एवं लग्नाधिपति सहित जदि दृष्टि संबंध रखुचि किंबा क्षेत्र संबंध रखुचि तले बहुत भल रहिबो आपंकर मैरिज लाइफ आपंकर मैरिज पार्टनर आपंकर प्रत्येक क्षेत्र रे सपोर्ट करिवे तांकर स्वभाव तांकर चरित्र मध्ये बहुत भल रहिबो जदि शुक्र आपंक जातक रे बहुत स्ट्रांग अछि विशेष करी पुओ मानक जातक रे देखा जाय काकिना शुक्र स्त्री कारक रह जदि पुओ मानक जातक रे बहुत स्ट्रांग अछि तले बहुत भल लाइफ पार्टनर आपंक मिलि परि थांती जदि शुक्र नीच थाय आपंक जातक रे तले लाइफ पार्टनर को प्रत्येक समय हेल्थ इशू रहिबो जदि शुक्र आपंक जातक रे बकरी अछि तले लाइफ पार्टनर को स्वभाव रे किछ ना किछ जिद्दखोर स्वभाव रहिबो प्रत्येक समय एग्रेसन कारण रो लाइफ रे समस्या मध्ये सृष्टि हुए जदि आपंक जातक रे शुक्र बक्री अछि विवाह पय मध्ये विलंब हो जाय थाय सेत पय देखंतु जातक रे कोन जगह अछि विवाह पय कोन उपयुक्त समय कोन वर्तमान दशा चल छै को विवाह पय दशा चली बर अछि कि दर्शक बंधु बहुत समय आप मान के प्रश्न आसछि विवाह को नै कि कन्फ्यूजन मध्ये आसछि कहीं आपंकर पिलार भी बयस ही जाऊँच कि हिसाब से मेरेज पर प्रस्ताव मत आसी पारना पिलार योग्यता जहाँ भी अच्छी से हिसाब से आप प्रस्ताव खोजुं कि प्रस्ताव मिलूना से जतक में कौन दशा चलती कौन जुग अच्छी बहुपाई से देखुं मांगल्य भाव को मांगल्य भाव में देखुं कौन ग्रह मान स्थित अच्छी केत नेगेटिव जुग क्रिएट होतक जदि मंगल दोष आप जतक अच्छी तेज़े अधिका विलंब होते वैवाहिक दाम्पत्य सुख से किसी ना कि नेगेटिव होता है समस्या सृष्टि हुए प्रत्येक समय विवाह पाई मध्य विलंब हुए विवाह परे मध्य प्रत्येक समय आप स्ट्रगल करते आपंक मानसिक स्थिति को लेकिन आपं स्वभाव को लेकिन एग्रेसन प्रत्येक समय आपं रहे जदि मंगल दोष अच्छी कहीं मंगल दोष विशेषकर मंगल एक पापग्रह अन्य एक पापग्रह सहित जो युक्त हो लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेभेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस तेल अधिक मात्र मंगल दोष क्रिएट हम आप जतक जो कि मेरेज रिलेट हम मेरेज प्रतिबंधक रत्येक समय आप लाइफ आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार कहतु क्या विषय जानते सर मो भर झील जन्म तारीख सर तार डिसेम्बर उन्नीस डिसेम्बर समय कहतु समय सकाळ 6:10 सकाळ जन्मस्थान गुजरात सर गुजरात कोठी कोंतु गुजरात सूरत सूरत हां सूरत से घर है जी सर से कौन जाने चाहचंती आपण सर से एगोटे प्राइवेट कंपनी रे काम करती और अच्छा। तो जॉब हबो कि नहीं आ तारो बाहा घर केमती हबो आ अच्छा ये आपंकर जियो की पुओ हेलो जियो सर अच्छा कौन पढ़ा पढ़ी कर चुनती सर से साइंस पढ़ ची कंप्यूटर साइंस अच्छा से कंप्यूटर साइंस बरे गोटे कोर्स कर ची ठीक अच्छा क्या आपको जाने जाने को चाहूँ चुनती विशेष कर जॉब को लेके आपंकर चिंता हो ची जॉब केमती आपंकर को रही पो एवं विवाह पाई मध्य आपंकर प्रश्न हो ची जे तो आपंकर लग्न हो ची धनु लग्न न्याय नीति आदर्श लग्न धनु लग्न अग्नि तत्व लग्न प्रत्येक समय पिला न्याय पक्ष नब प्रत्येक व्यक्ति सहित न्याय करने चेष्टा करुच्ची अन्य को साय कर सम्मान करवा परोपकार नेचर मध्य पिला भितर रोचे अधिका सॉफ्ट स्वभाव मध्य पिला रोचे अन्य को सहजे विश्वास कर बहुत समय कन्फ्यूजन शिकार हो करना द्वंद प्रत्येक समय हेल्थ इश्यू मध्य पिला फेस कर विशेषकर पेट रिलेटेड समस्या जॉइंट पेन एवं थंडा रिलेटेड समस्या मध्य पिला को प्रत्येक समय लागिक रोचे एवं एग्रेसन मध्य प्रत्येक समय पिला को आसुची जहाँ भी सर्विस करुच्ची सर्विस रे सैटिस्फेक्शन मिल पार नहीं सर्विस को छाड़ियापाई चेष्टा करुच्ची वर्तमान समय
सर्विस को लेकिन विषम परिस्थिति क्रिएट होती अधिका टार्गेट मिलूँ अधिका परिश्रम करा पड़ू पिला को वर्तमान समय जेहेतु समय वर्तमान चलती शुक्र दशा बृहस्पति अंतर्दशा सर्विस को लेकिन बहुत भल हो पार आपंकर वर्तमान समय जहाँ भी सर्विस कंटिन्यू रखु बहुत भल सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार सर्विस चेंजेस आप लक्ष्य करेंगे बहुत भल समय आस 2022 अक्टोबर पर 5 अक्टोबर 2022 पर बहुत भल सर्विस हाइट मिल पार जहाँ भी सर्विस को लेकिन स्ट्रगल कर सर्विस को लेकिन पाया चाहते बहुत शीघ्र आपको मिल पार जहाँ भी बहुत प्रश्न रोचे आपहार हाउस सेभेन्थ हाउस सेभेन्थ हाउस लॉर्ड बुध आप लग्न पोजिशन रखुच्छी बृहस्पति सूर्य सहित कंजक्शन करशेषकर देखो बहुत आप टेक्निकल सेक्टर हम और मेरेज पार्टनर को स्वभाव बहुत भल हो चरित्र स्वभाव बहुत भल हो आप सहित बहुत भल अंडरस्टैंडिंग रखिए कहीं बृहस्पति स्वामी काराग्रह क्यारेक्टर काराग्रह बृहस्पति धनुराशि पोजिशन रखुच्छे आप जतक हंस महापुरुष जो क्रिएट होती मेरेज पार्टनर स्वभाव चरित्र बहुत भल सर्विस करेंगे बहुत भल पर बहुत भल पर बिलंगस कर किंतु बहुत भल मेरेज अपॉर्चुनिटी आपको रोचे 11 नवंबर 2022 पर आप मेरेज प्रोसेस करेंगे किंतु मेरेज प्रतिबंधक रोचे आप जतक मंगल दोष एवं शनि दोष जहाँ भी मेरेज प्रस्ताव खोजुं देखुं विलंब हो जाती वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ एवं गौरी मंत्र को संपूर्ण संपुट करूँ हे गौरी शंकरार्धांगी यथातम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करूँ सप्तशती चंडी में बहुत शीघ्र मेरेज हम बहुत भले मेरेज पार्टनर पाईपर पिला मेरेज अन्य एक प्रतिकार करूँ राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर में येलो सफेयर पिंधतु एवं जेहेतु मानसिक स्थिति आप खराब रोचे लाइफ डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं पार ना करेंगे कि करेंगे ना डीएस नो कॉम्बिनेशन प्रत्येक समय आप मन भितर एवं डिसीजन लेट हो से राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु आप मानसिक स्थिति एवं लाइफ प्रॉपर्ली डिसीजन बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटल अवॉइड करूँ येलो कलर व्हाइट कलर सिल्वर कलर एवं ग्रीन कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाइपर पिला आउ जड़े कलर जो सहित कथा हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे कौन तो जन्म तारीख सितंबर 1993 समय राती कौन तो जन्मस्थान कौन तो कौन जाने चाहते पुओं विषय आप ठीक अच्छे आज आप जहाँ भी जानक चाहते विशेषकर अपॉर्चुनिटी को लेकिन अधिका स्ट्रगल करा को कमी अपॉर्चुनिटी मिल पार और जहाँ भी वर्तमान समय ट्राए करते सक्सेस पाई जेहेतु लग्न रोचे मिथुन लग्न वायुतत्व लग्न लग्नाधिपति बुध आपस जेहेतु फिफ्थ हाउस मंगल सहित कंजक्शन कर मंगल बुधर कंजक्शन टेक्निकाली पिला को स्ट्रंग करु पिलार राशि रोचे शतविशा नक्षत्र कुंभ राशि 24/11 जेहेतु कुंभ राशि लॉर्ड शनि भाग्य स्थान में बकरी अच्छी चंद्र सहित कंजक्शन कर शनि चंद्र कंजक्शन होती विष जो क्रिएट होती मानसिक स्थिति प्रत्येक समय पिला भितर खराब रोचे अधिक अस्थिर स्वभाव पिला रोचे जहाँ भी डिसीजन नौ शीघ्रता जो नहीं जाऊँगी बहुत समय अनेक विश्वास कर भाग्यर सपोर्ट पिला को मिल पार ना जहाँ भी पिला पाखे योग्यता अच्छी से हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल पार ना अधिक परिश्रम पड़ी किंतु से हिसाब से जॉब रे हाइट मिल पार ना पिला को वर्तमान समय जहाँ भी आपड़ जानकुक चाहते वर्तमान समय स्ट्रगल भरा रोचे कहीं नेगेटिव समय चलती शनि चंद्र दशा चलती अंतर्दशा चलती शनि दशा चंद्र अंतर्दशा चलती वर्तमान स्ट्रगल हम मानसिक स्थिति खराब रहा मेंटल स्ट्रेस बढ़ किंतु जहाँ भी सक्सेस आपको मिल बहुत भल सक्सेस आपर 2022 नवंबर पर 19 नवंबर 2022 पर जहाँ भी आपड़ जावाक चाहते एब्रोड आपड़ जापरेंगे
କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 19 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ ପିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବିବାହ ପାଇଁ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। କାହିଁକିନା ବିବାହକୁ ନେଇକି ଅଧିକା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ପିଲାର ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ପିଲା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବିବାହ ହେବ, ବିବାହର ଯୋଗ କେବେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ବିବାହକାର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଆଶୀର୍ବାଦର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ 4th house, 7th house, 10th house ଏବଂ 5th house, 9th house, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟିପାରିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି ଅଧିକା ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବିବାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ, ବିବାହରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ପରେ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହେ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏକ କାରଣ ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ, ବିବାହର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଲିକ ଯୋଗ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ 2nd house, 4th house, 7th house, 8th house, 12th house କେବଳ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଆପଣ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଏକ ପାପଗ୍ରହ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପଗ୍ରହ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ପାପ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଧିକା ମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏକ୍ରିଏସନ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଶତ ପରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବନିପାରିବ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିକି ରହିବ। ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ 7th house, 8th house ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଉତାର ଚଢ଼ାବ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଏକ ପାପଗ୍ରହ, ଉର୍ଜାର କାରାଗ୍ରହ, ଅଗ୍ନିକାରାଗ୍ରହ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାରାଗ୍ରହ। ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଲଗ୍ନ 2nd house, 7th house ଏବଂ 12th house, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆପଣ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବିବାହ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା ରଖିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ବଣ୍ଡିଂ ରହିବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତାର ଚଢ଼ାବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ବିବାହ କେବେ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା।
मंगल दोष को लेकिन मांगलिक जोग को लेकिन एवं बहार समय कौन रोच आसंता का आलोचना करवा आज समय ही रोची नमस्कार।